हे गाइज ऑलराइट, सो ये वीडियो स्किन स्मूथ के ऊपर होने वाली है। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि आप अपने फोटो में स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हो, लेकिन उसमें मैंने आपको पिक्सार से सिखाया है, ऑटोडेस्क स्केचबुक से सिखाया है एंड और भी बहुत सारे ऐप सिखाया है, लेकिन स्नैपसीड की ये पहले वीडियो है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्नैपसीड ऐप का यूज़ करके आप अपनी पूरी रफ एंड टफ स्किन को कैसे स्मूथ बना सकते हो। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए ताकि आप अपने भाई को सपोर्ट कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड गाइज, सबसे पहले आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से गाइज हम गैलरी से फोटो को सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस फोटो में स्किन आपको देख पा मतलब दिख रही होगी कितनी ज़्यादा रफ है। यहाँ पे पिंपल्स आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा है, मतलब पूरी की पूरी रफ स्किन है। तो इसको हम इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप प्रॉपरली मतलब प्रोफेशनली स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बार आपको पेंसिल के जैसा इस पे स्किन पे घिसना भी नहीं है एंड आपका फेस भी स्मूथ हो जाए। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज, आपको सबसे पहले यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है, मतलब आपके फ़ोन में शेयर होगा तो आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। देन इसको आपको ओपन कर लेना होगा स्नैपचैट ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये रही मेरे पास स्नैपचैट ऐप, मैं इसके अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊं। यहां पे आप देख पा रहे होगे कि हमने स्नैपचैट ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया या फिर आपको दिख रहा होगा कि स्किन पे कितना ज़्यादा रफनेस है, मतलब स्किन पे पिंपल्स भी है। तो सबसे पहले पिंपल्स, एक्नी, इन सब को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे इस पेंसिल वाले आइकॉन के अंदर। देन यहाँ पर हीलिंग का एक ऑप्शन है, तो इन सारे को हील कर लेंगे। तो ये रही हीलिंग, तो आपको हीलिंग वाले टूल को सिलेक्ट करना है। देन अपनी फ़ोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से एंड जहाँ भी आपको लग रहा है जैसे कि ये वाला हमको नहीं चाहिए तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है, ठीक है। जहाँ भी आपको पिंपल्स दिखे आपको पिंपल्स पर टैप कर देना है या फिर ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जहाँ जहाँ भी पिंपल्स दिख रहा है ऐसे चला दे रहे हैं। तो सिंपली है, बहुत मतलब बहुत आसान है, आपको कुछ इस तरीके से चला देना है, ठीक है गाइस। तो जहाँ जहाँ भी हमको लग रहा है कि स्किन ज़्यादा रफ है वहाँ पर हम इसको चला देंगे। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको चला देना है। ऐसे में क्या होगा कि स्किन को स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्किन पहले से ही कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गई होती है। ऐसे अगर एक्नी पिंपल्स फेस से हट जाए तो स्किन रफ रहेगी ही कहाँ। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने इतना जो है हील कर लिया सारे को। देन यहाँ से डन करते हैं। अभी आप देख पाओगे, आपको फ़ोटो को जूम करके दिखा रहे हैं बिफ़ोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब फ़ोटो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लगने लगी है अभी से ही। तो आपको जाना है आप पेंसिल वाले आइकॉन के अंदर। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट, तो आपको पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद ध्यान रहेगा जो हमने यहाँ पे रखा है वही आपको रखना है। यहाँ से आपको ले लेना है स्मूथ टू, ठीक है। तो स्मूथ टू आपको ले लेना है। देन यहाँ से स्मूथ स्किन स्मूदिंग का अमाउंट आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हमने इतना बढ़ा दिया, आप 84 हमने बढ़ा दिया, आप इसी का अराउंड रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से 85 भी रखते हैं। देन यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर वाला है, मतलब ये फेस स्पॉट लाइट, आपको इसे नहीं बढ़ाना है। देन यहाँ पे आई क्लैरिटी है, अगर आपको अपनी आई में क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इसको रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज देख पा रहे हो कि हमने सिर्फ एक पोर्ट्रेट का यूज़ किया है एंड अभी स्किन देख पा रहे हो कि कितना मस्त यहाँ पे स्मूथ हो गई, लेकिन अभी भी ये नेक देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो आपको जाना है इस पेंसिल वाले आइकॉन पे, देन यहाँ पे आपको सिलेक्टिव पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से अपने नेक को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से गाइज ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा कम रखेंगे। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर को पूरा माइनस, लगभग इतना माइनस कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को जैसे आप माइनस करोगे आपका फेस जो है मतलब स्किन जो है ऑटोमेटिक से ही स्मूथ हो जाएगा। आप देख पा रहे हो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर कम किया एंड ये देख पाओगे बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर। आप नेक पे सिर्फ ध्यान दो गाइज, ये देख पा रहे हो बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब कितनी मस्त यहाँ पे नेक स्मूथ हो गई। वैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपनी फेस को एंड जहाँ जहाँ भी आपको स्मूथ करना है, लाइक फेस को अगर स्मूथ करना है तो सिंपली स्ट्रक्चर को कम कर देंगे। अभी आप देख पाओगे कि फेस कितना मस्त यहाँ पे स्मूथ हो गया। थोड़ा सा ब्राइटनेस को ऐड कर लेते हैं एंड गाइज अभी आप देख पाओगे स्किन, आप देख पा रहे हो बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब आप अपनी स्किन को बहुत ही इजीली स्मूथ कर सकते हो। वैसे अगर आपको जहाँ जहाँ भी स्मूथ करना है, जैसे कि हैंड पे करना है, नेक पे करना है, जहाँ भी करना है आपको सिंपली स्ट्रक्चर को कम कर देना है एंड यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। अभी आप देख पाओगे गाइज कि हैंड पे भी ये बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर,
मतलब बहुत इजीली आप स्मूथ कर सकते हो। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड था वो येलो कलर के था। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये सिखाने वाले थे कि आप अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो। अगर आपको येलो टोन आपकी बैकग्राउंड में ऐड करना है, मतलब फोटो में येलो टोन कैसे करना है ये सीखना है, तो हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि आप प्रीसेट को लाइटरूम प्रीसेट को डाउनलोड कर लो एंड आप अपनी फोटो के ऊपर यूज़ करके एक क्लिक में ही लाइटरूम में मतलब वैसा एडिट कर पाओगे, येलो टोन डाल पाओगे। तो प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए एंड सीख लीजिए। एंड अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हमको येलो टोन एडिटिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना ही देंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।